नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एक पार्टी दावा करती थी कि हम बदलाव की राजनीति करने आए हैं, बदलाव छोड़कर बदले की राजनीति पर उतर आई है वो पार्टी। अपने पुराने सहयोगी कहें, राजनीतिक विरोधी कहें, उनके ऊपर एक एक करके निशाना साधने लग गए हैं। बस एक बार पुलिस उनके हाथ में आ जाए, ये वो मांग किया करते थे। पंजाब में जीतने के बाद सत्ता पुलिस ताकत आने हाथ आने के बाद उस पुलिस उस ताकत का जो जनता ने दिया उसका इस्तेमाल पंजाब के लोगों के लिए नहीं हो रहा, उसका इस्तेमाल चाहे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बैठे पूर्व सहयोगी राजनीतिक विरोधी कहें आज डॉक्टर कुमार विश्वास हो, या दिल्ली में मेरी जैसे बैठे आम आदमी पार्टी के ही पुराने सहयोगी कहें, राजनीतिक दृष्टि से पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करते हुए हमारे घरों में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 20-30 पंजाब पुलिस के अधिकारियों को भेजा, घर के दरवाजे पर नोटिस चिपकाया, नोटिस 20 अप्रैल को चिपकाया कि 26 अप्रैल 10 बजे से पहले हमें सदर रूपनगर थाने पंजाब पेश होना है। 20 का नोटिस था, 21 को मैंने दिल्ली से चंडीगढ़ की अपनी टिकट बुक करवा ली, 25 तारीख को मैं पंजाब पहुंच गई, 26 तारीख को मुझे रूपनगर थाने पेश होना था, लेकिन डीएसपी साहब का फोन आता है, व्हाट्सएप पे एक और नोटिस आता है कि मैं 26 नहीं अब 27 को पेश हूं। मैं समझ सकती हूं जब दिल्ली में बैठे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके ही एक मोहरे जो पंजाब के मुख्यमंत्री के घर पर राज्यसभा सांसद भी अब घर बैठे हुए हैं, वो अगर पुलिस को निर्देश देंगे जिसके बारे में मुझे लगता है भगवत मान जी को मालूम नहीं वो दिल्ली बैठे हैं, इसलिए तो यही होगा कि 26 की तारीख 27 को होगी, 27 के बाद फिर झूठ बोला जाएगा मीडिया में पुलिस द्वारा कि मैं उनसे 3-4 दिन का और समय मांग रही हूं। मैं इस समय पंजाब में हूं, 26 को आपने बुलाया था, मैं 25 को आ चुकी हूं, अब आप 27 को कह रहे हैं मैं रुकूंगी, 27 को सदर रूपनगर थाने पेश होंगी। आपके दिल्ली में बैठे आका मुख्यमंत्री आवास पे बैठे उन्हीं के मोरे राज्यसभा सांसद जो अभी बनकर आए हैं उनसे आप निर्देश लेते रहिए, अपनी तारीखें बदलते रहिए, पर मैं इन सब हथकंडों से डर